अरे बात तो सुनो साहब जी। जिन नौजवानों को अग्निवीर बनकर भारत की सरहदों की हिफाजत करनी थी वो अपने ही देश में आग से खेलने लगे हैं। अग्निपथ पर बिहार से शुरू हुआ हिंसक आंदोलन आज चौथे दिन जारी है। भारतीय सेना की तैयारी करने वाले लड़कों ने करीब दर्जन भर ट्रेनें फूंक दी हैं, अनगिनत बस ट्रकों को खाक कर दिया है। भाजपा के दफ्तरों में आगजनी से लेकर नेताओं के घरों तक तोड़फोड़, एक खौफनाक मंजर आम है। आदाब नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित फतेहगंज पश्चिमी में NH-24 पर सैकड़ों लड़कों का एक हुजूम उतर आया और हाईवे जाम करने की कोशिश की। प्रोटेस्ट की सूचना पर पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट था, सो SDM के साथ पुलिस के अधिकारी पहुंच गए और हंगामा काट रहे लड़कों को किसी तरह से शांत कराने में जुट गए। काफी देर तक लड़के हंगामा काटते रहे, इस चेतावनी के साथ कि अग्निपथ योजना वापस न होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सर ने बोला था 15 मिनट के लिए, सर ने 15 मिनट में बात बात करते हैं। यूपी के अलीगढ़, बलिया, जौनपुर, मथुरा और दूसरे हिस्सों में सैन्य अभ्यर्थियों का आंदोलन हिंसा की शक्ल देख चुका है। एक दिन पहले जहां बलिया में ट्रेन फूंक डाली थी तो अलीगढ़ पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था। यूपी में इस हिंसक आंदोलन में 200 से ज्यादा लड़कों को हिरासत में लिया जा चुका है। हालांकि उनके खिलाफ 151 की बेहद मामूली धाराओं में कार्रवाई की गई है, जबकि इससे पहले 2 जुमा को हुए प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में एक्शन हुआ था। उन पर गैंगस्टर, NSA, बुलडोजर और 3rd degree टॉर्चर तक का एक्शन देखने को मिला था। बिहार में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। शनिवार को कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं, लेकिन उसके बाद भी आगजनी वाहनों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा, राजस्थान में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि यूपी में बलिया, अलीगढ़ और मथुरा को छोड़ बाकी जगहों पर काफी हद तक शांति है। शनिवार को जौनपुर में जरूर कुछ वाहनों में आग लगाने के दृश्य सामने आए हैं। बरेली की बात करें तो यहां पहले से धारा 144 लागू है। IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 19 जून को इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में योमे दुरूद का कार्यक्रम रखा है, जो पैगंबर साहब पर टिप्पणी के विरोध में है। लिहाजा बरेली पुलिस प्रशासन विरोध प्रदर्शनों को लेकर पहले से अलर्ट मोड पर है। यहां बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां लगातार गश्त कर रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाली हर परिस्थिति को टालने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले भी बरेली में छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो अधिकारियों ने उन्हें शांत कराकर लौटा दिया। शनिवार को फतेहगंज पश्चिमी इलाके में जब ये प्रोटेस्ट हुआ तब भी पुलिस ने बड़ी खूबसूरती के साथ मामले को डील किया और छात्रों को उनके घरों की तरफ लौटा दिया।